हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज प्रदीप नायक एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ रिलेटेड टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर ऑल द क्लासेस। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, देन दिस चैनल इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियोज अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसाइट फंक्शन। तो लेट्स सी इम्प्लिसाइट फंक्शन होते कैसे और उनकी डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसाइट फंक्शन, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसाइट फंक्शन, लेट्स सी। देखो इम्प्लिसाइट फंक्शन होते क्या, लाइक x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, या फिर 2x प्लस 2y माइनस 3x y इक्वल्स टू 7 ये, या फिर साइन एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 9x, इस तरह की जो भी इक्वेशंस होती हैं, ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसाइट फंक्शन। तो ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम आज सीखने वाले हैं। तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। मान लो ये इक्वेशन भी है, ये सर्कल की इक्वेशन है, तो ये एक इम्प्लिसाइट फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सबसे पहले तो आपको ऐसे करना है। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू दोनों तरफ हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4। देखो 4 का भी डेरिवेटिव और इन दोनों का भी कंबाइंडली डेरिवेटिव लेना है। तो देखो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, एक्स के भी रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y, क्योंकि हम एक्स के भी रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसलिए वाई का अलग से भी डेरिवेटिव होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 4, कॉन्स्टेंट फंक्शन और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ओके, अब इसको रीअरेंज करना है। जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये ओवरऑल 0 हो गया। ठीक है, देखो अब हमने क्या करना, जो 2x उसको उस तरफ ले लो, तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का 2x, एंड फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का 2x अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल कर लो, एंड फाइनली जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का एक्स अपॉन वाई। फाइनली जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का एक्स अपॉन वाई, और ये ही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इम्प्लिसाइट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, फाइंड dy upon dx if sin square y plus cos xy equals to k। ठीक है, जो ये implicit function है इसका dy upon dx यानी derivative निकालना है, यहां से हमने y का x के with respect to, तो again same situation same question, तो हम solution कैसे करेंगे, given equation आपके पास है sin square y प्लस cos xy इक्वल्स टू के। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ के। पहले तो डी अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लिखना है, अब डेरिवेटिव
इनके जो बेसिक कंसेप्ट है हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई टैब पे जाकर आप इसके बेसिक कंसेप्ट देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, अगर साइन टू वाई है तो सबसे पहले हम इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, टू आगे आएगा, साइन वाई की पावर एक कम हो जाएगा, ठीक है। वन टू था, टू आगे लिखा, साइन की पावर एक कम और साइन का अलग से डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई, ठीक है। फिर प्लस कॉस एक्स वाई, कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव, कॉस वाई का डेरिवेटिव होता था माइनस का साइन वाई, वाई मतलब एक्स वाई है दोनों। और फिर हमने क्या करना है, जो ये एक्स वाई है इसका अलग से डेरिवेटिव इक्वल्स टू के का डेरिवेटिव होता है जीरो। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव टू आगे लिखा, साइन वाई की पावर एक कम और फिर साइन वाई का अलग से डेरिवेटिव करना है। सिमिलरली प्लस कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स वाई और एक्स वाई का अलग से डेरिवेटिव। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, टू साइन y एज इट इज रहेगा, cos y sin y का डेरिवेटिव cos y आ जाएगा और y का आप अलग से डेरिवेटिव करेंगे dy upon dx, क्योंकि जो sin y है y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट तो अलग से भी करना पड़ता है, तो इसका डेरिवेटिव भी बेसिक कंसेप्ट से हमने ऑलरेडी पढ़ा है तो आपने देख लेना वहां से। सिमिलरली माइनस sin xy एज इट इज और इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर फिर से आपको लेना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x और y प्रोडक्ट में है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे, y का डेरिवेटिव ले लो अलग से, जब आप y का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा dy अपॉन dx प्लस, अब y एज इट इज और x का डेरिवेटिव होता है 1 इक्वल्स टू 0 एंड नाउ अब रीअरेंज करना है sin x sin y cos y dy अपॉन dx माइनस इधर आ रहा है sin xy, ठीक है। साइन एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो क्या आएगा एक्स एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। सिमिलरली वाई के साथ भी कर लो इसको, माइनस का वाई साइन एक्स वाई साइन एक्स वाई अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा इट विल बी इक्वल्स टू जीरो। अब अगले स्टेप में जो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, इन दोनों को इन दो से लेना है कॉमन, तो क्या बनने वाला है टू साइन एक्स कॉस वाई। अच्छा ये फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस वाई ये होता है साइन टू वाई, ये हो गया साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई एज इट इज लिखना है और इधर डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट इसको बराबर उस तरफ ले लो, ये बन जाएगा इक्वल्स टू प्लस का वाई साइन एक्स वाई। देखिए जो ये पूरा पार्ट है माइनस वाला ये बराबर से उस तरफ चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस का वाई साइन वाई। फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बचेगा, वाई साइन एक्स वाई डिवाइड बाई ये पूरे को पूरा नीचे आ जाएगा साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू इम्प्लिसाइट फंक्शन। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को सेंड कर दें सो दैट आई कैन मेक वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और मैं उसको अपने इस चैनल में अपलोड करूँगा जहाँ से आप इजीली उसे वॉच आउट कर सकते हो और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।